हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द लेक्चर सीरीज ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस के बारे में। अब तक जो भी हमने कॉम्बिनेशनल या सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट डिजाइन किए हैं वो सभी फिक्स फंक्शन के थे, यानी कि अगर हम एड्रेस सर्किट डिजाइन करते हैं तो उसे सिर्फ एड्रेस सर्किट का ही फंक्शन ले सकते थे। इसी तरह से हमने बहुत सारे कॉम्बिनेशनल और सिक्वेंशियल सर्किट डिजाइन किए थे जिसका कोई एक फिक्स फंक्शन था। तो जो भी इस तरह के कॉम्बिनेशनल या सिक्वेंशियल सर्किट होते हैं इसकी एक स्पेशल इंटीग्रेटेड सर्किट मिलती है, यानी कि आईसी होती है, जिसे फिक्स फंक्शन आईसी बोला जाता है। तो इस तरह के जो हमारे पास इंटीग्रेटेड सर्किट थे जिसमें फिक्स फंक्शन था, तो इसको अगर आपको प्रोग्राम करना है या रीप्रोग्राम करना है तो उसकी फंक्शनैलिटी उसमें नहीं थी। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस, यानी कि आपके पास कुछ ऐसी ब्लैंक आईसी है जिसको यूजर अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार उसे प्रोग्राम कर सकता है और इसे सिक्वेंशियल या कॉम्बिनेशनल सर्किट में डिजाइन कर सकता है। ओके, तो इसके बारे में आज हम विद एग्जाम्पल इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। So, let's start with introduction to programmable logic device. कि programmable logic device की requirement क्या थी। अब तक जो भी हमने sequential या combinational circuit design किए थे वो सभी fixed function integrated circuits थी, यानी कि हमारे पास जो adder circuit था या comparator circuit था, arithmetic and logic unit का circuit था, multiplexer था, demultiplexer, code converter, shift registers and counters, इन सभी का कोई ना कोई एक particular function था जिसके हिसाब से ये सब इंटीग्रेटेड सर्किट्स आईसीस वर्क करती थी। ओके, तो ये जो इंटीग्रेटेड सर्किट थी इस मैन्युफैक्चरर कंपनी द्वारा इस तरह से बनाया जाता था कि इसकी कॉस्ट कम से कम रखी जाए और यूजर की डिमांड के रिक्वायरमेंट के अनुसार यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी उसे सेटिस्फाई कर सके। तो इसको बल्कि या लार्ज क्वांटिटी में बनाया जाता था जिसकी वजह से इसकी कॉस्ट रिड्यूस की जाती थी। इस तरह के आईसी का एक कोई पर्टिकुलर फंक्शन था, इससे अगर आपको दूसरी आईसी का फंक्शन चाहिए तो आप उसे डिजाइन नहीं कर सकते थे। तो इसी फिक्स फंक्शन इंटीग्रेटेड आईसी को अपग्रेड करके दो अलग अप्रोच दिए गए, ओके, जो कि थे कुछ इस तरह से, टू मोर अप्रोचेस फॉर द डिजाइन ऑफ डिजिटल सर्किट्स, जिसमें पहला था एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट्स। जो भी एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट है इसके हिसाब से कोई एक इंटीग्रेटेड सर्किट बनती थी, और उसके बाद आया उसका भी अपडेटेड वर्जन जिसको बोला गया प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस, जिसकी अभी सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है, क्योंकि जो भी हमारे पास PLD होती है, प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइसेस होते हैं, दैट कैन बी इजीली कॉन्फिगर बाय इंडिविजुअल यूजर फॉर स्पेसिफिक एप्लीकेशन। ओके, जो भी यूजर की रिक्वायरमेंट है, एनकोडर की है, डिकोडर की है, मल्टीप्लेक्सर, कोड कन्वर्टर, शिफ्ट रजिस्टर और काउंटर्स, ओके, तो इन सब को एक ही आईसी से अलग अलग टाइप का आप प्रोग्रामिंग करो तो प्रोग्रामिंग के हिसाब से एक ही आईसी अलग अलग आउटपुट दे सकती है, और इसी प्रोग्राम को अगर आपको रीप्रोग्राम करना है तो आईसी को आप इजीली फॉर्मेट करके या इसका डेटा इरेज करके फिर से आप उसे प्रोग्राम कर सकते थे। ओके, तो इसकी वजह से ये जो प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस है इसकी मार्केट में अभी सबसे ज्यादा डिमांड है। ओके, ये जो हमारे पास PLDs होती है, दैट कैन बी प्रोग्राम्ड इन फ्यू सेकेंड्स, बहुत ही कम टाइम में आप इसे प्रोग्राम कर सकते हो, इसी वजह से ये बहुत ही फ्लेक्सिबल है फॉर एक्सपेरिमेंटल पर्पस। ओके, अकॉर्डिंग टू आर्किटेक्चर कॉम्प्लेक्सिटी फ्लेक्सिबिलिटी, ये जो हमारे पास PLDs होती है इनको आप अलग अलग टाइप में डिवाइड कर सकते हो। तो इसमें फर्स्ट टाइप है वो है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जिसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि क्या होती है PROM और प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से इस PROM को बनाया जाता है और इसे किस तरह से अलग अलग टाइप में आप प्रोग्राम कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे, यानी कि अगर हमारे पास कोई ऐसा है एरे है जिसको हम डायरेक्टली इंप्लीमेंट कर सकते हैं किसी भी लॉजिक में। ओके, तो इस तरह के हमारे पास दो टाइप के प्रोग्रामेबल डिवाइस है, जिसमें फर्स्ट है PLA एंड सेकेंड वन PAL। ओके, एक है जिसमें लॉजिक को हम डायरेक्टली एरे में इंप्लीमेंट करते हैं और दूसरा एरे को इस तरह से बनाए जिससे हमारा डायरेक्ट लॉजिक मिल जाए। ओके, तो ये दो हमारे पास कॉम्बिनेशनल और सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट के लिए प्रोग्रामेबल डिवाइस है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम और दो टाइप के प्रोग्रामेबल डिवाइस के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें एक है
फिल्ड प्रोग्रामेबल गेट एरे, जिसको बोला जाता है FPGA, ओके यहाँ पे आएगा FPGA। ये जो है वो इंडिकेट करता है कि यूजर के फील्ड के अनुसार उसे वो प्रोग्राम कर सकता है और इस एरे से जो भी लॉजिक चाहिए उसे अपने हिसाब से वो सेट कर सकता है। यानी कि अगर यहाँ पे कोई अलग से कोई एक यूजर है जिसको अपने फील्ड के अनुसार कोई लॉजिक डिवाइस को सेट करना है, अपना प्रोग्राम अपलोड करना है और उससे कोई अलग फंक्शन लेना है, तो अपने फील्ड के हिसाब से इस प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे से वो डिजाइन कर सकता है, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में CPLD के बारे में, यानी कि कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस, ओके इसके बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज इस वीडियो में हम तीन चीज के बारे में डिस्कस करेंगे, PROM क्या होता है, PLA क्या होता है और PLA क्या होता है, ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन दैट इज PROM एज प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस। तो ये PROM होता है वो कुछ इस तरह से इंडिकेट किया जाता है, जिसमें आपके पास N इनपुट लाइन होती है और M आउटपुट लाइन होती है, ओके तो अगर आपके पास N इनपुट लाइन है और M आउटपुट लाइन है तो इसका मीनिंग क्या होता है। यहां पे इच बिट कॉम्बिनेशन ऑफ द इनपुट वेरिएबल इज नोन एज एड्रेस। यहाँ पे आपके पास n इनपुट वेरिएबल है तो आपके कॉम्बिनेशन कितने होंगे, अगर आपके पास कोई कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट में n इनपुट वेरिएबल होते हैं तो कॉम्बिनेशंस आपको मिलते हैं 2^n। ये जो 2^n है इसे बोला जाता है एड्रेसेस, ओके तो यहाँ पे जितने भी आपको कॉम्बिनेशन मिलते हैं उन सबको हम क्या बोलेंगे, एड्रेस, ओके। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे n इज इक्वल टू आपके पास 2 वेरिएबल है तो कॉम्बिनेशन कितने मिलेंगे, 2^2 = 4, ओके तो फॉर एग्जाम्पल आपके 2 वेरिएबल है a b तो इसके कॉम्बिनेशन मिलेंगे 00 01 10 and 11, ओके तो इसके हिसाब से जितने आपके कॉम्बिनेशन बनते हैं इसे बोला जाता है एड्रेसेस, ओके। नेक्स्ट वन दैट इज इच बिट कॉम्बिनेशन दैट कम्स आउट ऑफ द आउटपुट लाइन इज नोन एज वर्ड। यहाँ पे आपके पास जितने भी आउटपुट मिलते हैं इस सब आउटपुट को बोला जाता है वर्ड्स। एंड लास्ट वन दैट इज द नंबर ऑफ बिट्स पर वर्ड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ आउटपुट लाइन। तो यहाँ पे आउटपुट लाइन आपके पास कितनी है, m आउटपुट लाइन है, ओके। The address specified in the binary number denotes one of the minterm of n variable. यहाँ पे आपके पास जितने भी combinations मिलते हैं, इन सभी combination को बोला जाता है minterm, ओके? यहाँ पे आपका first combination है 00, तो इसका minterm क्या बनेगा, a complement b complement. Second minterm है आपका 01, तो इसका minterm क्या बनेगा, a complement b is equal to 1 है, तो यहाँ पे directly b लिख देंगे। यहाँ पे थर्ड मिनटम क्या बनेगा, फर्स्ट है a और दूसरा है 0, तो b की वैल्यू 0 है तो b कॉम्प्लीमेंट, एंड लास्ट मिनटम क्या बनेगा, a इंटू बी, ओके। तो ये जो हमारे मिनटम से वो कहाँ पे मिलेंगे हमें, यहाँ पे जितने भी वेरिएबल अप्लाई किए हैं a b c d जितने भी आपके वेरिएबल है इसके हिसाब से आपको इंडिविजुअल मिनटम्स मिलेंगे, ओके जिसके हिसाब से आप आपके आउटपुट लाइन को इंडिकेट कर सकते हो। तो यहाँ पे द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एड्रेस, जितने भी आपको एड्रेस मिलते हैं दैट पॉसिबल विथ एन इनपुट वेरिएबल इज 2^n, यहाँ पे 2^n है, ओके। और आउटपुट लाइन कैन बी सिलेक्टेड बाय यूनिक एड्रेस एंड सिंस देयर आर 2^n डिस्टिंक्ट एड्रेस इन PROM, देयर आर 2^n डिस्टिंक्ट वर्ड इन PROM, ओके तो यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट यानी डिफरेंट एड्रेसेस कितने मिल सकते हैं, अगर आपके पास n इनपुट वेरिएबल है तो यहाँ पे आपको 2^n आउटपुट्स और एड्रेस लाइन मिल सकती है, ओके यहाँ पे आपको 2^n एड्रेस लाइन मिलेगी। और आउटपुट कैन बी सिलेक्ट बाय ए यूनिक एड्रेस, जितने भी आपके पास एड्रेसेस है 2^n एड्रेसेस है तो 2^n एड्रेस में से कोई एक पर्टिकुलर एक ही आउटपुट सिलेक्ट होगा बेस्ड ऑन the input variables, okay? क्योंकि यहाँ पे हमें 2^n यहाँ पे address line मिलती है, तो यहाँ पे आपके words कितने रहेंगे? 2^n, 2^n आपके distinct और different word मिलेंगे in PROM, okay? तो ये था हमारा basic concept of PROM. चलिए अभी देखते हैं कि इस PROM की मदद से हम कौन सा सर्किट डिजाइन कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल हमें डिजाइन करना है एक 64x4 का PROM। 64x4 का PROM अगर आपको डिजाइन करना है तो उसमें 64 वर्ड्स आएंगे विथ 4 बिट, ओके तो यहाँ पे आपके पास 64 वर्ड्स है एंड
एक बिट एक वर्ड में अलग अलग 4 बिट्स हैं, ओके, एक वर्ड में 4 बिट्स है टोटल, इस तरह के आपके पास 64 वर्ड्स है। तो यहाँ पे अगर आपको ऐसा एक पीरॉम डिजाइन करना है तो इसका मीनिंग क्या होगा, यहाँ पे आपके पास अलग अलग आउटपुट लाइन है 64, जितने भी आपके वर्ड है वो इंडिकेट करेगा आउटपुट लाइंस। तो यहाँ पे हमारे पास जो 4 बिट है ये 4 बिट इंडिकेट करेंगे हमारा फाइनल आउटपुट, ओके। ये जो 4 यहाँ पे हमारे पास जो 64 वर्ड्स है वो 64 वर्ड्स इंडिकेट करेंगे डिकोडर की आउटपुट लाइंस। यहाँ पे जो हमारे पास 64 वर्ड मिलेंगे वो डिकोडर का आउटपुट होगा, और ये जो 4 बिट है वो 4 बिट इंडिकेट करता है फाइनल आउटपुट, ओके, जो कि हमारी रॉम में आउटपुट मिलता है वो इंडिकेट करता है, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास 64 वर्ड्स है, इसके हिसाब से अगर आप 2:6 करोगे तो आपको यहाँ पे मिलेंगे 64 वर्ड्स, यानी कि जो आपका n नंबर है n इज इक्वल टू क्या होगा 6, और ये n क्या इंडिकेट करता है, n इंडिकेट करता है नंबर ऑफ इनपुट्स, ओके, नंबर ऑफ इनपुट्स इंडिकेट करता है। तो ये हमें मिल गया नंबर ऑफ इनपुट्स, और 64 वर्ड यानी कि 64 वर्ड क्या इंडिकेट करेगा, नंबर ऑफ एड्रेसेस, 64 एड्रेसेस है तो 64 एड्रेस के हिसाब से हमें मिलेंगे 64 मिनटम्स, ओके, 64 क्या मिलेंगे, मिनटम्स मिलेंगे, और इस मिनटम्स के हिसाब से हमें क्या इंडिकेट करना है, आउटपुट इंडिकेट करना है, ओके। तो इसे मैं यहां से इरेज कर देता हूं, आपको यहां पता चल गया होगा कि 64 हमें एड्रेस मिलेंगे और इस एड्रेस से हमें मिलेंगी मिनटम, ये मिनटम हो गई, ओके, यहां से इसे इरेज कर देते हैं, और हमें नंबर ऑफ इनपुट्स भी मिल गए हैं, और रॉम का फाइनल आउटपुट मिलेगा आपको 4 बिट फाइनल आउटपुट, ओके। तो अभी हमें जो डिजाइन करना है उसमें हमें एक डिकोडर चाहिए जिसमें 6 इनपुट होने चाहिए और 64 आउटपुट होने चाहिए। तो हमने यहाँ पे एक डिकोडर ड्रॉ कर लिया है जिसमें हमारे पास 6 इनपुट्स है और 64 आउटपुट्स है, ओके। तो ये हो गए हमारे 6 इनपुट्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, जिसे हम रिप्रेजेंट करेंगे A0 से लेके A5 तक, ओके। तो ये हमारे इनपुट्स है, और इसी के हिसाब से हमें आउटपुट कितने मिलेंगे, 64 आउटपुट्स मिलेंगे। तो ये हमारे हो गए 64 आउटपुट्स, 0 to 63, यानी कि 64 हमारा आउटपुट हो गया, ओके, 0 to 63, ओके। और इससे हमें चाहिए 4 आउटपुट, ओके। तो इस 4 आउटपुट के लिए हम यहां पे यूज करेंगे OR गेट्स, ओके। ये OR गेट किस तरह से अटैच होंगे, तो कि जो भी आपकी मिनटम है इसके हिसाब से OR गेट कनेक्ट होंगे। तो यहां पे फर्स्ट एक OR गेट है वो कुछ इस तरह से कनेक्ट होगा जिसमें आपको फर्स्ट आउटपुट मिलेगा F1, सेकेंड OR गेट आपका कुछ इस तरह से कनेक्ट होगा जिससे आउटपुट मिलेगा F2, थर्ड वन इस तरह से लगेगा तो इससे आपको आउटपुट मिलेगा F3, एंड लास्ट वन कुछ इस तरह से लगेगा जिससे आउटपुट मिलेगा F4, ओके। तो यहाँ पे जो ये जो सिंबल इंडिकेट किया गया है उस सिंबल को बोला जाता है फ्यूज, ओके। तो एक हमारे पास आउटपुट है, इस एक आउटपुट में हमारे पास अलग अलग 64 इनपुट सप्लाई किए हैं, ओके। तो यहाँ पे हमें फ्यूज कितने चाहिए, फर्स्ट एक OR गेट में 64 इनपुट तो 64 फ्यूज, सेकेंड में 64 इनपुट्स तो 64 फ्यूज, थर्ड वन में 64 फ्यूज एंड फोर्थ वन में 64 फ्यूज। तो यहाँ पे हमें लगेंगे 64 फ्यूज मल्टीप्लाई बाय 1, 2, 3 एंड 4, तो 4, यानी कि हमें 256 फ्यूज की रिक्वायरमेंट है जो कि यहाँ पे OR गेट को इस इनपुट डिकोडर के इनपुट से कनेक्ट करेगी, डिकोडर के आउटपुट से कनेक्ट करेगा, ओके। तो हमने यहाँ पे फ्यूज कितने लिखे हैं, जितने हमारे पास आउटपुट्स थे और जो भी OR गेट के इनपुट थे इसके हिसाब से हमने यहाँ लिख दिए हैं नंबर ऑफ फ्यूजेस, ओके। तो अभी हमें इस पूरे कॉन्सेप्ट को एक एग्जांपल से समझना है ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, ओके। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं कि किस तरह से PROM को डिजाइन किया जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल आपको कुछ इस तरह से एक क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया गया है, यूजिंग PROM रियलाइज द फंक्शन एक्सप्रेशन फंक्शन F1 ऑफ ए बी एंड सी इज इक्वल टू सिग्मा m 0, 1, 3, 5 एंड 7। ये आपकी क्या होगी, ये आपकी मिनटम होगी, कौन सी, m0 m1 m3 m5 एंड m7। और एक फंक्शन दिया गया है जिसमें मिनटम दी गई है m1 देन m2 देन m5 एंड
एम सिक्स, यहाँ पे जो भी आपकी मिन टर्म थी उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ओके, तो अभी आपको क्या करना है, आपको इस तरह का एक डिवाइस यूज करना है जिसे बोला जाता है बफर। ये बफर क्या है इसके बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई एक वेरिएबल दिया गया है, इस वेरिएबल को अगर आप नॉट गेट में अप्लाई करोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा ए इनपुट का ए कॉम्प्लीमेंट। अगर आप इस आउटपुट को यहाँ पे डायरेक्टली लिखते हो तो यहाँ पे आपको आउटपुट क्या मिलेगा, ए कॉम्प्लीमेंट। अगर आप इस आउटपुट को दूसरे एक नॉट गेट में अप्लाई करते हो तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा आउटपुट, ए डबल कॉम्प्लीमेंट, एंड डबल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू द इनपुट वेरिएबल। ओके, तो ये जो हमारा पूरा सर्किट है जिसमें आपके पास एक इनपुट था जिससे आपको दो अलग अलग आउटपुट मिले हैं, ए कॉम्प्लीमेंट एंड ए, तो इसको हम बोलते हैं बफर, जिसमें एक इनपुट एज इट इज मिलता है और एक को एक में आउटपुट मिलता है इनपुट वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो ये जो पूरा सर्किट बनता है इसे बोला जाता है बफर। तो ये जो हमारा यहाँ पे डायग्राम है इसे हम बोलते हैं बफर, जिसके इनपुट में हमने अप्लाई किया है ए, तो इसका आउटपुट क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा ए, और यहाँ पे है एक बबल जिसके वजह से यहाँ पे मिलेगा ए कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ हम लिख देंगे ए और यहाँ लिख देंगे ए कॉम्प्लीमेंट। दूसरा एक बफर है जिसमें इनपुट दिया है बी, तो यहाँ पे आपको आउटपुट मिलेगा बी एंड बी कॉम्प्लीमेंट। थर्ड वन, यहाँ पे हमारा इनपुट है सी, जिसकी वजह से यहाँ पे आउटपुट मिलेगा सी एंड सी कॉम्प्लीमेंट। तो ये था हमारा बफर जिसमें हमने दो नॉट गेट यूज किए हैं। ओके, इसे यहां से इरेज कर देते हैं। तो अभी आपको जो यहाँ पे फंक्शन दिया गया है, इस फंक्शन को अगर आपको इस PROM से इंडिकेट करना है तो किस तरह से आप यहाँ पे इंडिकेट कर सकते हो। जो भी आपके पास यहाँ पे फंक्शन दिए जाते हैं, इस फंक्शन को आपको नंबर ऑफ मिनटर्म में लिखना है। तो आपको पता है कि किस तरह से आप इस फंक्शन को मिनटर्म से रिप्रेजेंट कर सकते हो। ओके, फर्स्ट यहाँ पे आपको क्या देखना है, जो भी आपके पास मैक्सिमम वैल्यू है, इस मैक्सिमम वैल्यू से पता चलेंगे कि कितने बिट चाहिए इस फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए। यहाँ पे ऑलरेडी आपको दिए गए है कि ए बी एंड सी तीन आपके पास वेरिएबल है जिससे आपको इस फंक्शन को यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है। ये है हमारा पूरा PROM, ओके, प्रोग्रामेबल रॉम। तो यहाँ पे हमारे पास जो जीरो है, इस जीरो को एम जीरो को रिप्रेजेंट करना है मिन टर्म में, तो तीनों वेरिएबल लिख दीजिए, और जीरो का बाइनरी क्या होगा, तीन वेरिएबल के लिए जीरो जीरो जीरो, तो यहाँ पे होगा जीरो जीरो जीरो। तो अगर आप इस जीरो जीरो को मिन टर्म में इंडिकेट करोगे तो यहाँ पे आएगा ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट एंड सी कॉम्प्लीमेंट। सेकेंड मिनटम है आपका वन, तो यहाँ पे आएगा एम वन, एम वन का आपको बाइनरी बनाना है तो बाइनरी क्या बनेगा, जीरो जीरो वन। तो इससे आपको मिनटम क्या मिलेगा, मिनटम मिलेगा ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट एंड सी। नेक्स्ट हमारा मिनटम है वो है थ्री, ओके, तो एम थ्री यहाँ लिख देते हैं। इस थ्री को आप बाइनरी में रिप्रेजेंट करोगे तो होगा जीरो वन वन, और इसका आपको मिनटम क्या मिलेगा, ए कॉम्प्लीमेंट, बी एंड सी। नेक्स्ट वन है फाइव, तो एम फाइव होगा, एम फाइव को आप बाइनरी में रिप्रेजेंट करोगे तो वन जीरो वन होगा, तो इसका मिनटम मिलेगा आपको एक ए, बी कॉम्प्लीमेंट एंड सी। लास्ट वन मिनटम है हमारा सेवन, तो यहाँ पे लिख देते हैं एम सेवन, इस एम सेवन को यहाँ पे रिप्रेजेंट करो तो वन 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 होगा, और इसका मिनटम होगा ए बी एंड सी। ओके, तो ये हमारे मिनटम्स हो गए, ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, जो भी आपको यहाँ पे फंक्शन दिया जाता है इसको मिनटम में रिप्रेजेंट करना है। ये मिनटम में हमने रिप्रेजेंट कर दिया है, अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे जो इनपुट वेरिएबल है इस इनपुट वेरिएबल को लिखना है, और यहाँ पे ड्रॉ करना है एक बफर को। बफर किस तरह से ड्रॉ किया जाता है, आपका जो इनपुट वेरिएबल है इसे एक नॉट में अप्लाई किया, लेकिन नॉट का जो बबल था वो यहाँ पे ड्रॉ किया, और यहाँ से हमने जो वेरिएबल था उसे एज इट इज लिख दिया, और यहाँ से एक बबल लेके यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट दे दिया। ओके, तो ये हो गया हमारा ए बी सी इनपुट वेरिएबल, जिसको हम इससे पहले इंडिकेट करते थे कुछ इस तरह से, ये था कोई एक वेरिएबल ए, और इसी को नॉट गेट में अप्लाई करते थे और नॉट गेट को यहाँ पे ड्रॉ करते थे, तो यहाँ पे हमें मिलता था ए और यहाँ पे मिलता था ए कॉम्प्लीमेंट। इसी चीज को हमने बफर से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। ओके, तो यहाँ पे अभी हम इस फंक्शन को इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, तो इंप्लीमेंट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन सब मिनटम को ऐड करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे हमें फर्स्ट तो एक मिनटम बनाना पड़ेगा और बाद में इन सब मिनटम को ऐड करना पड़ेगा। तो हमें दो लॉजिक गेट चाहिए, मिनटम बनाने के लिए यहाँ पे आपको चाहिए एंड गेट, जिससे आप इन सब वेरिएबल को मल्टीप्लाई कर सकते हो।
ओके। और इन सब मिनटम को ऐड करने के लिए आपको क्या चाहिए, और गेट। तो यहाँ पे हमारे पास और गेट है जिसकी मदद से हम यहाँ पे इसे इंप्लीमेंट करेंगे। तो ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है, ये बेसिक स्ट्रक्चर कॉमन रहता है सभी रॉम में। जो भी फंक्शन दिया जाता है वो यूजर अपने हिसाब से यहाँ पे इस पी रॉम में प्रोग्राम कर सकता है। अगर आपको यहाँ पे मैं फंक्शन चेंज करके यहाँ पे फंक्शन देता हूं जिसमें सिग्मा एम और ब्रैकेट में मैं वैल्यू देता हूं आपको 3, 4, 6 एंड 7, ओके। और दूसरा फंक्शन देता हूं जिसमें वैल्यू है 0, 2, 6 एंड 7, ओके। तो इस फंक्शन को अगर आपको यहां पे रिप्रेजेंट करना है तो इस फंक्शन को भी आप यहां पे इसी डायग्राम की मदद से यहां पे रिप्रेजेंट कर सकते हो। यहां पे आपके पास जितने भी वेरिएबल होते हैं, 3 वेरिएबल है, तो 3 वेरिएबल को आपको मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज में इंडिकेट करना है। तो कॉम्बिनेशन कितने मिलेंगे, 2:3, यानी कि टोटल 8 कॉम्बिनेशन मिलेंगे, ओके। तो आपको फर्स्ट यूज करना है नंबर ऑफ वेरिएबल से आपको नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन मिलेंगे। जितने कॉम्बिनेशन मिलते हैं उसे हम बोलते हैं मिनटम, और जितने मिनटम है इसको आपको यहाँ पे एंड गेट से रिप्रेजेंट करना है। आपके पास यहाँ पे 8 मिनटम थे तो आपको यहाँ 8 एंड गेट ड्रॉ करने हैं। अगर आपको यहाँ पे 16 कॉम्बिनेशन मिलते हैं तो 16 कॉम्बिनेशन कब मिलेंगे, जब आपके 4 वेरिएबल होंगे तब। तो 16 कॉम्बिनेशन के लिए आपको यहाँ पे 16 मिनटम मिलेंगे, और 16 मिनटम के लिए आपको यहाँ पे 16 एंड गेट ड्रॉ करने पड़ेंगे, ओके। तो हमने यहाँ पे जितनी मिनटम थी उतने एंड गेट ड्रॉ कर लिए है। अभी हमें बनाना है यहाँ पे मिनटम। तो मिनटम हमारा थर्ड स्टेप होगा कि थर्ड स्टेप में हमें मिनटम को रिप्रेजेंट करना है, ओके। तो यहाँ पे फर्स्ट मिनटम है ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट, सी कॉम्प्लीमेंट। तो ए हमारा मिनटम यहाँ पे है M0। M0 में हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट, सी कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे जो हमारा सेकेंड रो है वो सेकेंड रो इंडिकेट करता है ए कॉम्प्लीमेंट। तो मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट, सी एंड सी कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे हमें चाहिए इस एंड गेट में ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट, सी कॉम्प्लीमेंट। आपको सिर्फ क्या करना है, जो भी यहाँ पे लाइन क्रॉस होती है यहाँ पे आपको इस तरह से क्रॉस इंडिकेट करना है, ओके। जहां पे भी ए एक साथ मिलती है वहां पे आपको क्रॉस करना है। तो ये इंडिकेट करेगा कि M0 में आपने ए कॉम्प्लीमेंट से कनेक्ट कर दिया। दूसरा हमें चाहिए बी कॉम्प्लीमेंट, तो बी कॉम्प्लीमेंट में हम क्रॉस कर देंगे। तीसरा हमें चाहिए सी कॉम्प्लीमेंट, तो सी कॉम्प्लीमेंट में भी क्रॉस कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा M0 क्या मिलेगा, M0 मिलेगा ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट, सी कॉम्प्लीमेंट, ओके। ये एक ही एंड गेट है जिसमें हमने अलग अलग 3 इनपुट सिग्नल अप्लाई किए हैं, जिसको रिप्रेजेंट किया है एक सिंगल लाइन से, ओके। ये सिंगल लाइन 3 इनपुट सिग्नल एंड गेट के इंडिकेट करती है, ए कॉम्प्लीमेंट का, बी कॉम्प्लीमेंट का और सी कॉम्प्लीमेंट का। नेक्स्ट हमारा मिनटम है M1। M1 इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट एंड सी। तो यहाँ पे M1 में हमें क्या क्या इंडिकेट करना पड़ेगा, ए कॉम्प्लीमेंट, तो ए कॉम्प्लीमेंट हमारा यहाँ पे है। दूसरा है बी कॉम्प्लीमेंट, तो बी कॉम्प्लीमेंट हमारा यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्रॉस कर देंगे। तीसरा है सी, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट नहीं है तो यहाँ पे हम क्रॉस कर देंगे। तो यहाँ पे हमें M1 क्या मिलेगा, ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट एंड सी। थर्ड वन हमारा मिनटम है वो है हमारा M3। तो M3 के लिए हम क्या करेंगे, M3 के लिए ए कॉम्प्लीमेंट, बी एंड सी। यहाँ पे M2 नहीं है तो इसे इग्नोर करेंगे, ओके, और यहाँ पे डायरेक्टली आ जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास से M3 इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट, बी एंड सी। तो यहाँ पे है ए कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे है बी एंड यहाँ पे है सी। तो ये हो गया ए कॉम्प्लीमेंट, बी एंड सी। M4 है नहीं, M4 नहीं है तो इसे इग्नोर करेंगे। M5 है तो M5 के लिए A, B कॉम्प्लीमेंट एंड C। तो M5 के लिए यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देते हैं A, B कॉम्प्लीमेंट एंड C। तो ये हो गया A, B कॉम्प्लीमेंट एंड C। M5 मिल गया हमें। नेक्स्ट हमें चाहिए M7। M7 में क्या है, A, B एंड C। तो M6 को हम इग्नोर करेंगे और यहाँ पे ले लेंगे A, B एंड C। तो यहाँ हो गया हमारा A, A हो गया, A हो गया B और A हो गया हमारा C, जिससे हमें M7 मिलेगा। इसमें आउटपुट मिलेगा A, B एंड C। तो A हो गया हमारा फर्स्ट फंक्शन। इसी तरीके से हमें क्या करना है, सेकेंड फंक्शन को भी रिप्रेजेंट करना है। तो सेकेंड फंक्शन में जो भी टर्म आपकी रिपीट होती है उसे आपको नहीं देखना है, जो रिपीट नहीं हो रही है इसे देखना है।
तो यहाँ पे हमारे पास M2 है, M1 ऑलरेडी हमने यहाँ पे इंडिकेट कर दिया है। M2 में हमें क्या है, M2 में हमें अगर रिप्रेजेंट करना है तो M2 इज इक्वल टू होगा 010, यानी कि A कॉम्प्लीमेंट B एंड C कॉम्प्लीमेंट। तो इसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, A कॉम्प्लीमेंट देन B देन C कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो ये हो गया। नेक्स्ट वन है M5, M5 हमने रिप्रेजेंट कर दिया है। M6, M6 हमने रिप्रेजेंट नहीं किया है, तो M6 लिख देते हैं। M6 इज इक्वल टू 110, तो यहाँ पे आपको मिलेगा A, B एंड C कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे हम M6 में रिप्रेजेंट कर देते हैं। M6 में क्या रिप्रेजेंट होगा, A देन B, तो यहाँ पे आएगा B एंड C कॉम्प्लीमेंट, तो यहाँ पे है C कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो इस तरह से आपको यहां पे रिप्रेजेंट करना है और आपकी जो भी वैल्यू है उसे इंडिकेट करना है। ओके, तो ये हो गया हमारा वर्क कंप्लीट। ओके, तो यहां पे हम इंडिकेट कर देते हैं जो भी वैल्यू मिली है, ओ ए बी एंड सी कॉम्प्लीमेंट। ओके, और यहां पे हमें मिला था ए कॉम्प्लीमेंट बी एंड सी कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो यहां पे हमारा एक मिस्टेक है, यहां पे आएगा ए कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो ये हो गया ए कॉम्प्लीमेंट, यहां पे बी एंड यहां पे सी कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो इस तरह से हमने जो भी क्रॉस किए हैं वो क्या इंडिकेट करते हैं, अलग अलग मिनटम्स इंडिकेट करते हैं। ओके, अभी हमें क्या करना है, जो भी हमें आउटपुट चाहिए उस आउटपुट में एडिशन चाहिए, सभी मिनटम का एडिशन चाहिए। तो जो भी मिनटम हमें यहाँ पे चाहिए उस मिनटम के हिसाब से यहाँ पे हमें F2 एंड F1 मिलेगा आउटपुट। ओके, तो F1 में हमारे पास क्या है, F1 इज इक्वल टू है M0, तो यहाँ पे हमारे पास M0 है, तो इस M0 को हमें F1 में चाहिए, तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक क्रॉस कर देंगे, यानी कि ये यहाँ पे क्रॉस कनेक्शन इंडिकेट करेगा। ओके, दूसरा हमें क्या चाहिए, दूसरा हमें चाहिए M1, तो M1 हमारा यहाँ पे है। M1 के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो A वैल्यू है इसे क्रॉस कर देंगे, M1 चाहिए तो M1 को क्रॉस कर दिया। तीसरा हमें चाहिए M3, तो M3 हमारा यहाँ पे है, इसको क्रॉस कर देंगे, यहाँ पे ये क्रॉस हो गया। नेक्स्ट हमें चाहिए M5, तो M5 हमारा यहाँ पे है, तो इसे भी क्रॉस कर देते हैं, तो ये भी कनेक्ट हो गया। लास्ट हमें चाहिए M7, तो M7 को भी यहाँ पे हम क्रॉस कर देंगे, तो ये भी यहाँ पे कनेक्ट हो गया। तो यहाँ पे हमें F1 क्या मिलेगा, F1 हमारा मिलेगा यहाँ से M0, तो M0 प्लस यहाँ पे हमें मिलेगा M1, तो यहाँ पे M1, क्योंकि ये और गेट में हमने अप्लाई किए हैं, तो यहाँ पे हमेशा एडिशन आएगा। नेक्स्ट है M3, तो हमें यहाँ पे मिलेगा M3 प्लस हमें यहाँ पे मिलेगा M5 एंड लास्ट मिलेगा हमें यहाँ से M7, जो कि हमारा इनपुट था। तो ये पूरा हमारा इनपुट था और हमारा फंक्शन था, इसको हमने इस PROM से इंडिकेट किया। दूसरा हमारा फंक्शन कुछ इस तरह से था M1, तो M1 के लिए इस F2 में हम M1 को रिप्रेजेंट करेंगे एक क्रॉस से। नेक्स्ट हमें चाहिए M2, तो यहाँ पे हमें मिलेगा M2, यहाँ पे क्रॉस कर देंगे। नेक्स्ट हमें चाहिए M5, तो M5 के लिए यहाँ पे क्रॉस कर देते हैं, तो ये हो गया M5। एंड लास्ट वन है M6, तो M6 के लिए यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो ये हो गया M6। ओके, तो ये F2 के लिए हमें क्या मिलेगा, M1, तो M1 हम लिख देते हैं, प्लस और गेट है क्योंकि प्लस मिलेगा। M2, तो M2 लिख देते हैं, प्लस यहाँ पे हमें मिलेगा M5, प्लस हमें मिलेगा यहाँ पे M6, तो ये हो गया M6। तो इस एक सिंपल से एक डायग्राम से हमने एक फंक्शन यहाँ पे इंडिकेट किया F1 और दूसरा किया F2। इसी तरीके से अगर इस F1 को और F2 को आपको रिप्रेजेंट करना है तो आप इसी लॉजिक डायग्राम से इसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ये जो लॉजिक डायग्राम है एक कॉमन लॉजिक डायग्राम है जिसकी मदद से यूजर अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार यहाँ पे अपनी एक लॉजिक सर्किट डिजाइन कर सकता है। ओके, तो इसे बोला जाता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ओके, यहाँ पे आपको आपकी रिक्वायरमेंट के अनुसार प्रोग्रामिंग करने का फैसिलिटी मिलता है। ओके, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट एक टॉपिक जिसका नाम था PROM। अगर आपको इसी टॉपिक पे और भी एग्जाम्पल सीखने हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, तो मैं इसके लिए अलग से PROM के ऊपर जितने भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं इसके अलग अलग वीडियो बना के आपको सेंड कर सकूं। ओके?